So good morning friends, welcome to Raj Malhotra's IAS. So guys, this is the morning session of your The Hindu. Okay, so we will be starting up this session very soon. Aur jaldi se jaldi hum session ko start karne wale hain. So you have to just wait for one more minute. Okay, so we'll start this session. So just wait for 1 minute and we will be live and we will be discussing the today's The Hindu. Okay. So just give me 1 minute, let me do the technical testing so that we are connected and we will have uninterrupted session. Okay, ताकि situation जो है हमारे हाथ में रहे बिल्कुल और कुछ भी problem ना आए. So just wait for 1 minute. Okay, and the PDF for today's The Hindu, okay, will be available on our Telegram page. तो आप जो है हमारे Telegram page के ऊपर जा सकते हैं. Okay, so it's there and I am just uploading the PDF for today's The Hindu. Okay, immediately I am uploading the PDF. Okay, so PDF आपको एडवांस में दे दिया गया है यहाँ पे आज का द हिंदू का. यू कैन डाउनलोड दैट PDF एंड स्लाइड्स आर देयर. ओके, आई विल बी नरेटिंग थिंग्स, आई विल बी एक्सप्लेनिंग थिंग्स एंड साइड बाय साइड यू कैन यू नो रीड फ्रॉम द PDF itself. आप डायरेक्टली PDF से भी जो है उसको रीड आउट कर सकते हैं. ओके, so this is our new experiment, you can say that. Just before starting the session we are sharing that PDF. okay, so if the response is good we will continue that. ki session start hone se pehle you will get the PDF. okay, so it's available in our on our Telegram channel. okay, Telegram page pe hamare available hoga. so free study material by Raj Malhotra as IAS. okay, aap wahan se download kar sakte hain. सो लेट्स स्टार्ट. द एडवांस PDF इज अवेलेबल. ओके, वहाँ पे ऑलरेडी PDF आपको अवेलेबल है. सो प्रियंका गुड मॉर्निंग, मोहित गुड मॉर्निंग, सुभाष गुड मॉर्निंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस इन टुडेज न्यूज़पेपर. Amazon विन रिलीफ एज हाईकोर्ट स्टेज फ्यूचर रिलायंस डील. नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ओके, कुछ खास हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी नीड टू हैव दिस आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म इन योर ओन कंट्री. ओके, गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, क्योंकि हमें बार बार बाहर जाना पड़ता है. अब ये सिंगापुर में जाके इन्होंने एक तरीके से आर्बिट्रेशन का काम किया है. आइडियल वुड हैव बीन कि आप खुद ब खुद जो है आपके कंट्री में आर्बिट्रेशन इतना अच्छा होना चाहिए. एंड अदर थिंग इज दैट द पोजिशन ऑफ कोर्ट. ओके, सो देर आर यू नो डिलेज इन आर कोर्ट सिस्टम, सो यू हैव टू इम्प्रूव योर कोर्ट. आप वहां से आपको समझना होगा. अदर देन दैट देर इज नथिंग मच इम्पॉर्टेंट. एंड पुलिस यूज बार्ब्ड वायर्स. ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. अदर देन दैट दिस शोज द ग्रेविटी और यू कैन से सिचुएशन कितनी खराब है. वट अबाउट सिविल लिबर्टीज? ओके, सिविल लिबर्टी कहाँ जा रही है यहाँ पे? नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर डेमोक्रेसी. ओके, फॉर आर डेमोक्रेसी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सच वैल्यूज, द पर्सन शुड बी एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड द गवर्नमेंट इज डूइंग दिस, ये बार्ब्ड वायर लगा के. ओके, बट क्योंकि सिचुएशन जो है सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं वो भी यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको. ओके, सो राहुल गौतम गुड मॉर्निंग, सिद्धि गुड मॉर्निंग, सौरभ गुड मॉर्निंग. ओके, सो अदर देन दैट देर इज नथिंग मच, कुछ खास यहाँ पे नहीं है. एंड फार्मर्स डे जो है वो कंटिन्यू रहेगा अक्टूबर नवंबर तक, ऐसा बोल रहे हैं ये. ओके, सो ये जो है सिचुएशन ठीक नहीं है. नाउ वी विल मूव टू द एडिटोरियल पार्ट. वी आर गोइंग टू कवर ऑल द एडिटोरियल्स टुडे. ओके, सारे के सारे एडिटोरियल्स हम लोग कवर करेंगे एंड वी विल रीड देम आउट. तो उसको अच्छे से रीड आउट करेंगे. ओके, ताकि कुछ भी छूटे ना. एंड ऑल द एडिटोरियल्स विल बी कवर्ड टुडे. ओके, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग देम. ओके, सो एंड इन हेयर आई विल शो यू वन क्वेश्चन ऑल्सो इन योर 2020 मेन्स. ओके, इन योर 2020 मेन्स GS पेपर 3. सो द क्वेश्चन ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हैज बीन आस्क्ड एंड आई हैव इंक्लूडेड दैट क्वेश्चन इन द स्लाइड्स. ओके, वो स्लाइड्स के अंदर आपको मिल जाएगा. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द PDF फॉर टुडेज द हिंदू स्लाइड्स आर अवेलेबल. ओके, ऑन आर अपना टेलीग्राम चैनल आप जाके डाउनलोड कीजिए. ओके, ताकि नरेशन के साथ साथ आप उसको रेफर कर सकें. ओके, इट विल बी अ गुड एक्सरसाइज कि आई विल बी नरेटिंग थिंग्स एंड यू विल बी रेफरिंग दैम, ताकि आपकी रिसेप्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. ओके, कभी कभी हमारी पेस जो है वो फास्ट होती है एक्सप्लेन करने की. ओके, बट वो आपको हेल्प करेगा, दैट्स वाई इन एडवांस आई एम शेयरिंग दैट. ओके, सो अदर देन दैट स्पुतनिक 5 वैक्सीन शोज 91.6 एफिकेसी. सो आई विल शो यू द डिफरेंस. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंट है स्पुतनिक 5 में. ओके, और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, सो वी विल लुक इनटू दैट. थोड़ा उसके अंदर भी जानेंगे क्या है. ओके, थोड़ा देख लेंगे.
सो अदर देन दैट कुछ खास नहीं यहाँ पे. ओके एंड जल जीवन मिशन टू हेल्प रिवाइव अर्बन वाटर बॉडीज एंड देर वॉज वन क्वेश्चन ऑन जल शक्ति. ओके सो दैट्स वाई आई थॉट ऑफ इंक्लूडिंग दिस एंड वी विल डिस्कस दिस वट एग्जैक्टली इज देयर एंड आई विल शो यू द क्वेश्चन ऑल्सो अगेन इन योर GS पेपर 3. दैट क्वेश्चन वॉज देयर. ओके मेन्स GS पेपर 3 द क्वेश्चन वॉज देयर एंड वी लुक इन टू इट. देखेंगे उसके अंदर क्या है. एंड नाउ लेट्स मूव टू आर वर्ल्ड सेक्शन. वाई डिड मिलिट्री स्टेज अ कूप. सो आई विल कवर दिस इन डिटेल. इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि मिलिट्री ऐसा क्यों कर रही है म्यांमार में. ओके जनरल्स दे हैव सीज द पावर. ओके अपनी पावर अपने हाथ में ले ली है उन्होंने पूरे कंट्री की. सो वी लुक इन टू दिस. इसको बहुत अच्छे से देखेंगे. ओके एंड हाउ द जियो पॉलिटिक्स इज बिंग प्लेड. US इज इन टच विद इंडिया एंड जापान. ओके तो म्यांमार में जो हो रहा है उसको लेके US हमारे यहाँ से टच में है. एंड सिंस वी आर डेमोक्रेसी जापान इज अ डेमोक्रेसी. चाइना कॉल्स फॉर ऑल पार्टीज टू सेफ गार्ड म्यांमार स्टेबिलिटी. चाइना इज प्लेइंग अ वेरी यू नो से ट्रिकी गेम. ओके तो चाइना अपना गेम खेलेगा. चाइना कार्ड विल बी देयर. ओके वी हैव टू बैलेंस चाइना. सो ईच एंड एवरी थिंग विल बी एक्सप्लेन. ओके नो वन इज गोइंग टू क्रिटिसाइज म्यांमार्स आर्मी. इंडिया कैन नॉट क्रिटिसाइज इट डायरेक्टली. सो दिस इज द जियो पोलिटिकल गेम. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस. ओके सो विल लुक इन टू दिस थिंग. फाइनेंस सेक्रेटरी का इंटरव्यू पब्लिश हुआ है. वट इज सेइंग कौन से एरियाज की तरफ ये बता रहे हैं. कैसे टैक्स की ड्यूटीज कस्टम ड्यूटीज कितनी कम कर गई हैं. वो सारी चीजें जो हैं इन्होंने बताई हैं. रीजन भी दिया है. ओके सो विल डू दैट. विल कवर दैट. उसको भी थोड़ा कवर करेंगे. ओके सो अदर देन दैट देर इज नथिंग मच इंपॉर्टेंट ऑन दिस पर्टिकुलर पेज. कुछ खास यहाँ पे हमारे पास जो है करने लायक नहीं है. सो लेट्स मूव टू आर डिटेल्ड डिस्कशन सेक्शन नाउ. थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन में जाते हैं एंड सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस. ओके सो अवेयरनेस कैंपेन प्लान टू डिस्पेल द रूमर्स ऑन NPR एंड सेंसस. ओके सो होम मिनिस्ट्री सेज दैट मिसकम्युनिकेशन विल बी टैकल्ड. नाउ देर वर एप्रिहेंशन ओवर NPR. तो दिस इज नॉट अ न्यू इशू. ओके ये बहुत पहले से चल रहा है NPR का इशू. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसको लेके जो है अप्रीहेंशन थी इन द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में प्रॉब्लम थी. ओके और इसको अब हम जो है होम मिनिस्ट्री बोल रही है कि रूमर्स को वी विल डील. उसको जो मिसकम्युनिकेशन था जो रूमर्स था विल डील दैट. ओके सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम द ट्रस्ट डेफिसिट. ओके ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट इज इन इंक्रीजिंग. नाउ फार्मर्स एजिटेशन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. ओके सो दिस इज नॉट द बिगनिंग. NPR सेंसस के टाइम पे ये चीज हो रही थी. नाउ थिंक अबाउट द सिचुएशन. गवर्नमेंट अगर सेंसस करवाए एंड पीपल आर नॉट गिविंग द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन. ओके सो यू विल बी कलेक्टिंग रॉन्ग डाटा. आपका डाटा रॉन्ग हो जाएगा. सो इट मीन्स दैट यू माइट एंड अप मेकिंग रॉन्ग पॉलिसीज. ओके जो कि ग्राउंड रियलिटी से डिफरेंट होंगी. आपकी पॉलिसी गलत बनेंगी. अगेन इंप्लीमेंटेशन विल बी पुअर और फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे. ओके सो सच थिंग्स शुड बी अवॉइडेड. दैट्स वाई देर शुड बी अ गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल. ट्रस्ट डेफिसिट शुड बी अवॉइडेड एट ऑल. ओके सो फर्स्ट फेज ऑफ हाउस लिस्टिंग हाउस सेंसस एंड द NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर विल बी रूल्ड आउट. ओके वाज टू बी रूल्ड आउट एंड April 1st से ये होना था बट इट वॉज पोस्टपोन्ड इनडेफिनेटली ड्यू टू COVID-19. ओके सो नाउ गवर्नमेंट इन सेइंग दैट वी विल टेक द 360 अप्रोच फॉर कम्युनिकेटिंग एंड ऑल काइंड ऑफ मीडिया सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया एवरीथिंग विल बी यूज इन अ प्लैंड मैनर एंड देर विल बी अ प्लैंड मीडिया स्ट्रेटजी सो दैट रूमर्स कैन बी टैकल्ड. ओके कि देर इज नो प्रॉब्लम विद दिस सेंसस. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू थ्रो आउट किसी को भी जो है गवर्नमेंट बाहर फेंकने वाले नहीं है. ओके सो दे आर सेइंग दैट राइट काइंड ऑफ मैसेजेस विल बी डन. ओके मिसकम्युनिकेशन को रूमर को टैकल करने के लिए जो है राइट मैसेजिंग विल बी डन. NPR सेंसस 2020-2021 से रिलेटेड जो भी मिसकम्युनिकेशन है दैट विल बी डेल्ट. ओके वो सारी चीजें जो है अच्छे से संभाली जाएंगी. नाउ होम मिनिस्टर इज फर्दर सेइंग कि व्हाट आर वी गोइंग टू कलेक्ट. ओके ही इज सेइंग दैट द डेमोग्राफिक एंड अदर पर्टिकुलर ऑफ ईच फैमिली एंड इंडिविजुअल वर टू बी अपडेटेड एंड कलेक्टेड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. ओके तो इसके अंदर किया जाएगा. नो डॉक्यूमेंट इज टू बी कलेक्टेड. कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा. देर विल बी अ सर्वे. पर्सन विल गो टू हाउस होल्ड जाएंगे वो एंड दे विल कलेक्ट द डाटा. ओके सो गवर्नमेंट वॉज इन डिस्कशन विद स्टेट्स हैविंग कंसर्न्स. ओके स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ऑल्सो रेज द कंसर्न एंड ड्यू टू COVID-19 द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस. ओके दैट वॉज पोस्टपोन. अब जो है उसको लागू किया जाएगा एंड देर इज सम फियर अमंग पीपल. नाउ पार्लियामेंट्री कमेटी हेडेड बाय कांग्रेस मेंबर ओके अनंत शर्मा ही सेइंग दैट देर वाज लॉट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एंड फियर अमंग पीपल रिगार्डिंग द कमिंग NPR. ओके एंड फियर इज बिकॉज वो जो है किसी की सिटीजनशिप रद्द करेगा ऐसी गवर्नमेंट की कोई मंशा नहीं है.
Then ministry responded that as per the provisions contained in section 15 of Census Act 1948, all individual level information collected in the census are confidential, and in census only aggregated data are released. Okay, so administrative level pe jo data release hota hai, that is only an aggregated data. Complete individual data kisi ka nahi diya jata. एग्रीगेटेड डाटा जो है वो रिलीज किया जाता है, तो इसके अंदर किसी की प्राइवेसी थेफ्ट या इंफॉर्मेशन थेफ्ट जैसी चीज नहीं होगी. ओके, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग एंड इट्स अ कॉन्फिडेंशियल थिंग अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ओके, सेंसस एक्ट 1948 के तहत उसको प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिली हुई है. ओके, सो ये आपको याद रखना है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. स्पुतनिक 5 वैक्सीन शोज 91.6% एफिकेसी एंड फेज 3 के ट्रायल हो रहे हैं, तो इट माइट ज्वाइन द वॉर सून. जल्दी से जल्दी स्पुतनिक 5 भी हमारे आपको देखने को मिलेगा. ओके, सो नाउ यू शुड नो द डिफरेंस. ओके, स्पुतनिक 5 वैक्सीन और जो आपकी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. ओके, सो दे से एडीनो वायरस 26 फॉर द फर्स्ट डोज, जो स्पुतनिक 5 है उसके अंदर फर्स्ट डोज के अंदर आप एडीनो वायरस 26 जो है वो यूज करते हो, एंड एडीनो वायरस 5 फॉर द सेकेंड डोज. दिस इज द मेन डिफरेंस. ओके, सो ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है यू आर यूजिंग ओनली वन सेम एडीनो वायरस. ओके, बट हेयर यू आर यूजिंग टू डिफरेंट एडीनो वायरस. दिस इज द मेजर डिफरेंस. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. ओके, इसके पीछे क्या रीजन है कि व्हाई आर यू यूजिंग द टू डिफरेंट जो है एडीनो वायरस. सो डिफरेंस इज दैट in case there is any pre-existing adenovirus immunity. Okay, अगर किसी के अंदर pre-existing adenovirus immunity है, so वो जो है यहाँ पे different type के adenovirus आने से second dose के अंदर वो immunity जो है एक तरीके से वो हट जाएगी और आप जो है अच्छे से उसको वैक्सीनेट कर पाओगे. Okay, क्योंकि ये pre जो immunity है ये एक तरीके से ये चीजों को काम खराब कर देती है, ये प्रोटेक्शन को थोड़ा मिनिमाइज करती है. ओके, सो दैट विल बी डन अवे विद, वो चीज हटा दी जाएगी. सो एज आई टोल्ड यू, जल जीवन मिशन टू हेल्प रिवाइव अर्बन वाटर बॉडीज. ओके, सो जस्ट हैव अ लुक, आई एम शेयरिंग दिस विद यू. दिस इज योर मेंस जीएस 2020 जीएस पेपर 3 क्वेश्चन. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू द क्वेश्चन वॉज ऑन जल शक्ति अभियान. ओके, सो जल शक्ति अभियान के ऊपर क्वेश्चन आ गया. सो इट मीन्स दैट यू शुड हैव एन आइडिया कि जल जीवन मिशन में क्या होने वाला है. ओके, so now as you know 20% of demand to be met with reused water, aisa ye karne wale hain. Okay, so urban water supply mission announced in budget on Monday will include rejuvenation of water bodies kiya jayega and 20% of the supply from reused water wo ye kiya jayega. Okay, ministry of housing and urban affairs ne bola hai. The ministry said 20% water jo hai wo reuse se aayega. Total expenditure ki agar hum baat kare, they are going to spend 2.87 lakh crore over next 5 years. Okay, 2.87 lakh crore ke around jo hai paisa hum log kharch karne wale hain iske upar. Okay, so you should have such idea about it. Okay, so in a statement ministry said there was an estimated gap of 2.68 crore urban household tap connection. Okay, 2.68 household jo hai crore household hai unke paas household ke paas tap connection nahi hai. Okay, and that Jal Jeevan Mission would seek to bridge all them. Okay, jitne bhi statutory towns hai hamare, 4,378 statutory towns are there. Okay, so this mission is going to bridge that gap. So the bridging of gap of 2.64 crore sewer connection will also be there. Okay, iske upar bhi dhyan diya jayega, sewerage connection ko bhi in 500 cities. Okay, and under the existing Atal mission jo is chal raha hai uske tahat jo hai isko aur acche se lala jayega, sewer connection ko bhi leke aaya jayega. And JJM, this Jal Jeevan mission, will promote the circular economy of water. Okay, and through the development of city water balance plan for each city. So jo circular economy kaise hoti hai, means you are going to propose encourage the reuse. Okay, reuse को आप encourage करते हो. Okay, तो waste को वापस जो है reuse में लेके आते हो. This is the circular economy. ऐसे आपकी circular economy चलती है. सतपाल सिंह जी, good morning. Okay, so water bodies को rejuvenate करोगे water conservation के लिए and they are going to play a very important role. Okay, groundwater recharge उससे होगा. So ministry said there had been an increase in funds to urban local bodies. Okay, 15th finance commission report ने बोला है कि आपको funds increase करने हैं urban local bodies के ऊपर and the increase had been 78%. Okay, 78% का increase जो है इन्होंने बोला है and the amount will be 1.55 lakh crore. Okay, 1.5 lakh crore के आसपास जो है वो पैसा urban local bodies को दिया जाएगा. Now this is important, क्यों? क्योंकि there can be a question on ULBs. Okay, so finances, I am telling this, finances of
rural local bodies, Panchayati Raj institution, rural local bodies, the question has been asked in your 2019 mains. Okay, 2019 mains ke upar, iske upar question pucha gaya hai. But urban local bodies ke finances se related question is still pending. So you never know, you can use this data in that ki budgetary provision has been increased. Okay, finance commission ki suggestion ke baad. Now, why did military stage a coup in Myanmar? Kyun aisa hua? Dekho, the tension between army and the NLD, okay, wo badh rahi thi. This is not the one day event, ye badh hi raha tha, theek hai na? So Aung San Suu jo hai unki party thi ye, okay, democratic party, political party, and already jo hai iske upar jo hai disturbance aur inke beech mein differences jo hai that was increasing, okay, and Myanmar's powerful military chief, now he has already raised some doubts, okay, over the last year's election results. And he was not happy with the situation. Okay, he was saying that we are in a situation where we need to be cautious. Okay, so ये पहले भी उन्होंने statement जो है दे चुके थे वो. Okay, now you have to understand this thing. This party, National League for Democracy. Okay, they won the polls. Almost 80% of the vote went to this particular party. Okay, so San Suu Kyi की जो party थी, it was gaining the popularity. And army की popularity जो है वो गिर रही थी already Myanmar के अंदर. Okay, so that's why generals were bit apprehensive about this democratic system. Okay, और ये बोला गया था कि military backed जो party थी. Okay, they said that elections jo hain wo rigged hain, okay, and they were defeated in a humiliating manner. As I told you, 80% of the votes jo hain wo democratic party ko gaye the, national league for democracy ko gaye the, okay, and this was the problem. Okay, isse jo hai generals thode dar gaye the. Okay, so Myanmar, which started a fragile transition to democracy 10 years ago, okay, after decades of military dictatorship, is back in the hands of generals. Okay, pehle bhi yahan pe military dictatorship bahut rahi hai aur ab wapis jo hai military dictatorship ke paas jo hai sari power chali gayi hai. So this was an example of failed transition. Okay, so as I told you, in 2008 the military had written a new constitution that made sure that generals' interest would be protected even if there is a transition. Okay, so wahan pe system kya tha, dekho, so NLD, WIT, had not recognized the constitution, boycotted the 2010 election. Initially unhone 2010 ka election boycott kiya. Okay, and over the years army loosened its grip on the government and society. Okay, political prisoners like Miss Suu Kyi, she was released. Okay, now media censorship was eased out. She participated in the 2015 election and the government was formed. Okay, government bana li thi inhone, inki party ne. And you have to understand this thing, generals were very smart. 2008 constitution had enough clauses, okay, to prevent some changes. Now, according to the constitution, president must have military experience. Okay, now they have already added this in the constitution that president must have a military experience. Okay, and he himself and his spouses or children shall not be subject of foreign power or citizen of foreign country. Kisi foreign country ke wo citizen nahi hone chahiye. Okay, and if you talk about Miss Suu Kyi, okay, unke do bete jo hain wo British citizen hain, and that's why she cannot become a president. Okay, wo president nahi ban sakti. Now constitution also mandates that the defense and the interior minister be controlled by military. Okay, and also 25% of the total seats in parliaments, okay, are reserved for military. Already military ka wahan pe reservation hai parliament ke andar. It means that they have the veto power, okay, ki constitution ke andar koi bhi change na laya ja sake. Now such a situation was existing in the Myanmar system. Wahan ki jo democracy thi wo naam ki democracy thi, military intervention wahan pe bahut zyada tha. Okay, अब कंप्लीटली जो है जनरल्स के हाथ में पावर चलेगी है, बिकॉज जनरल्स वांटेड मोर. ओके, उनको थोड़ा और ज्यादा चाहिए था. सो व्हाट आर्मी वांट्स देयर. नाउ एज आई टोल्ड यू, टेंशन्स बिटवीन द एनएलडी एंड द मिलिट्री, इट वाज राइजिंग. ओके, नवंबर इलेक्शन के बाद ये बढ़ रहा था. ओके, नाउ 15 एंड 2020 इलेक्शन रिजल्ट्स शोड द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ मिस Suu Kyi and unpopularity of military. Okay, they were becoming unpopular, and 2020 election were held after army launched a brutal attack on Rohingya ke upar attack hua. 7 lakh Rohingya Muslims, they fled Myanmar. Okay, and army was also projecting commander in chief, okay, jo wahan ke hain, ki he is a tough soldier and dedicated to the security of the country. Aur social media pe unko popularize karne ki koshish bhi ki. Okay, but nothing was working. ना तो वॉर ने हेल्प किया और ना ही पब्लिक रिलेशंस ने हेल्प किया. एंड आर्मी बैक्ड पॉलिटिशियंस, दे लूज द इलेक्शन. ओके, वो दे लॉस्ट द इलेक्शन. सो विद 166 सीट्स रिजर्व्ड फॉर मिलिट्री, ओके, तो
तो बाकी जो एक तरीके की जो उनकी बैक्ड पार्टी थी, दे वांटेड जस्ट 167 सीट्स, इतनी ही सीट्स उनको चाहिए थी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो दूसरी थी सू की पार्टी, ओके, दैट नीडेड 333 सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बट पीपल वोटेड 80% वोट्स, 80% वोट इनके पास चले गए एंड दे वोन 396 सीट्स, ओके, पार्लियामेंट में 396 सीट्स जो है वो जीत के आ गए। देन मिलिट्री जो थी अब, ओके, दे वर वेरी कॉशियस अबाउट इट, सो दे वर यू नो दे वर हैविंग अ फियर इन देयर माइंड, ओके, दे वर हैविंग अ फियर इन देयर माइंड दैट दिस कैन बी अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, ओके, सो दे थॉट दैट इवन विद दिस लिमिटेड डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट, ओके, दे माइट लूज द पावर, इतनी छोटी सी विंडो होने के बावजूद दे माइट लूज द पावर, ओके, दैट वॉज द पोजिशन। नाउ वट नेक्स्ट, मिलिट्री ने एक तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, पॉलिटिशियंस को जेल में डाल दिया है, ओके, एनएलडी हैड कॉल्ड फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कू, ओके, यूएस ने इसको बहुत ही हार्शली रिएक्ट किया है, इंडिया इज सेइंग वी आर डीपली कंसर्न अबाउट इट, ओके, चाइनाज रेस्पॉन्स जो है वो एक तरीके से बहुत ही लाइट रहा है, सो जनरल्स वोंट फेस एनी हीट फ्रॉम बीजिंग, ओके, देर इज एन एम्प्रीहेंशन, देर इज अ थिंकिंग दैट जनरल्स जो है म्यांमार में दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ सैंक्शंस बाय यूएस, ओके, यूएस कितना मर्जी प्रेशर डाल ले, इकोनॉमिक सैंक्शन डाल ले, ओके, सो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट बिकॉज दे कैन नाउ मूव क्लोजर टू चाइना, चाइना के क्लोज वो चले जाएंगे, ओके, एंड चाइना इज ऑलरेडी मेकिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन म्यांमार, नाउ इट्स अ टाइट रोप फॉर इंडिया, इंडिया के लिए टाइट रोप है यहाँ पे, ओके, सो एज आई एम टेलिंग यू इन 1989 एंड 90, ओके, वहां पे तब भी कू हुआ था, एट दैट टाइम इंडिया ने क्रिटिसाइज किया था, ओके, इंडिया क्रिटिसाइज द म्यांमारीज आर्मी, प्रेजेंटली द सिचुएशन इज लाइक दैट, यू कैरिड आउट सर्जिकल स्ट्राइक्स विद द हेल्प ऑफ म्यांमारीज आर्मी, उनकी हेल्प से आपने सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ओके, यू वॉन्ट टू रिमूव इंसर्जेंसी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ओके, एंड फॉर दैट यू नीड सपोर्ट फ्रॉम म्यांमार मिलिट्री, ओके, आपको म्यांमार की मिलिट्री की सपोर्ट चाहिए, सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी टाइट रॉप सिचुएशन फॉर इंडिया। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, यू कैन नॉट आउटराइटली से दैट ओके म्यांमार इज मिलिट्री इज रियली गुड, यू कैन नॉट से दैट, ओके, सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी यू नो इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट टाइम विच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया म्यांमार रिलेशन। देखते हैं क्या इसके ऊपर कहानी आगे बढ़ती है, ओके, सो गवर्नमेंट स्टेटमेंट विल बी आउट, देखते हैं क्या आता है, सो लेट्स सी, लेट्स लुक इन टू दिस नाउ, फाइनेंस सेक्रेटरीज इंटरव्यू, ओके, नाउ दे आर सेइंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम you have to work on it, you have to use AgriCess, okay, so that the agriculture sector's productivity can be enhanced, okay, now you are going to provide agri infrastructure jo hai aap provide kar rahe ho, okay, so for that you have AgriCess wo lagaya and they have given the justification, okay, so Saif Sayed, good morning, Amrita Thakur, good morning, okay, so general philosophy behind our custom duty structure kya hai, okay, we want the raw material to come at minimum rate, now मिनिमम रेट पे आपके पास जो है रॉ मटेरियल आना चाहिए, ओके, एंड दैट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट शुड बी एट एन इंटरमीडिएट रेट, ओके, एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट कुड बी एट अ स्लाइटली हायर रेट, ओके, सो फिनिश्ड प्रोडक्ट इफ यू आर इंपोर्टिंग यू कैन हैव हायर ड्यूटी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यू कैन हैव इंटरमीडिएट ड्यूटी, ओके, बिकॉज देर आर चांसेस दैट यू माइट एक्सपोर्ट दैट प्रोडक्ट, तो इसीलिए थोड़ा कंट्रोल्ड वे में डालना पड़ेगा। रॉ मटेरियल आपको सबसे सस्ते से सस्ता चाहिए बिकॉज रॉ मटेरियल आपके यहाँ आएगा एंड इफ दैट रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड इट विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ओके, तो इसके लिए ये एंगल है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, सो अदर देन दैट यू वॉन्ट द सिस्टम टू बी ट्रांसपेरेंट, सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, डिस्क्रिशन जो है वो कम से कम हो, ओके, एंड द अदर क्वेश्चन वॉज दैट शुड वी गिव एग्जेम्पशंस टू कॉर्पोरेट्स, क्या कॉर्पोरेट्स को और एग्जेम्पशंस देनी चाहिए, ओके, सो फॉर दैट द फाइनेंस सेक्रेटरी इज सेइंग दैट यू हैव टू रिव्यू द कंडीशनल एग्जेम्पशंस, जो भी कंडीशनल एग्जेम्पशंस अभी देते हैं हम लोग, ओके, यू हैव टू रिव्यू दैट एंड दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ओके, नाउ गवर्नमेंट मेक्स द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएट्स एन एनवायरमेंट दैट अट्रैक्ट्स प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओके, नाउ द क्वेश्चन वॉज रेज्ड अबाउट जॉब क्रिएशन, एवरीवन वाज सेइंग दैट हु इज गोइंग टू क्रिएट जॉब, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई बात नहीं हुई बजट में, ओके, नाउ फॉर दैट फाइनेंस सेक्रेटरी सेइंग दैट गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो विद द हेल्प ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट यू आर गोइंग टू जनरेट एसेट्स, ओके, एसेट्स बनाओगे आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, फ्लाईओवर बनाओगे, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, पोर्ट को डेवलप करोगे, नाउ फर्दर ही सेइंग दैट व्हेन यू आर डेवलपिंग द पोर्ट डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इट विल अट्रैक्ट द प्राइवेट एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओके, उनको वो अट्रैक्ट करेगा एंड इट विल बी अ जॉब क्रिएशन सिचुएशन, आपके देश में जॉब्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगी, ओके, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग।
Further, the fears were raised over the agriculture infrastructure cess. And as the fear says that states का share जो है taxes में वो कम हो जाता है. Why? Because this cess will completely go in the hands of union. आपके union government के हाथ में जाता है cess का जितना भी पैसा आता है. Okay. Now they are saying that agriculture infrastructure is need of an hour. We need to improve the productivity and efficiency in the sector. Yes, we know that agriculture को आपको revive करना है, farmer की situation को improve करना है. Okay. So for sustained infrastructure development program, we need to earmark the resources. Okay. आपको resources तो चाहिए ही चाहिए. ओके, नेक्स्ट कितने सालों में कहां से पैसे आएंगे? फॉर दैट दिस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट वी डोंट वांट दिस एडिशनल बर्डन ऑन कंज्यूमर्स. ओके, सो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है आपकी कस्टम और एक्साइज ड्यूटी का, ओके, वो इन्होंने एडजस्ट किया है सो दैट द बर्डन डजंट फॉल ऑन द नॉर्मल कंज्यूमर. उनके ऊपर जो है ज्यादा बर्डन ना आए, इसलिए जो है इन्होंने ये अरेंजमेंट किया है. ओके, सो लेट स्टार्ट द एडिटोरियल नाउ. सो इट्स अ गुड बाय फॉर फिस्कल ऑर्थोडॉक्सी. ओके, तो तेजस्वी पांडे गुड मॉर्निंग. ओके, सो बजट 2021 इज अ डिपार्चर. क्यों ये डिपार्चर है? ओके, ऐसा ये बोल रहे हैं क्योंकि फिस्कल ऑर्थोडॉक्सी जो है वो ठीक नहीं है एंड यू आर गोइंग टू स्पेंड मोर. ओके, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है प्रेजेंटली इट विल रीच द 9.5% ऑफ GDP. ओके, एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 इट विल बी 6.8. ओके, दिस इज आर टारगेट एंड दिस इज द रियलिटी. दिस इज नॉट अ नॉर्मल टाइम. ओके, सो द चेंज इन फिस्कल स्टांस इज पार्ट ऑफ सिलेक्टिव डिपार्चर फ्रॉम मार्केट ऑर्थोडॉक्सी. ओके, दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड मोर एंड दिस इज नीड ऑफ एन आर. ओके, गवर्नमेंट को जो है स्पेंड ज्यादा करना है बिकॉज यू हैव टू रिवाइव योर इकोनॉमी. ओके, यू हैव टू इंक्रीज द डिमांड. सो गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यूटीज ऑन सम इम्पोर्ट्स. ओके, सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड फोस्टर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर डोमेस्टिक इंडस्ट्री बिकॉज वी इम्पोज द मोस्ट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन. ओके, नो वन डिड दैट बट वी डिड दैट, सो आर इंडस्ट्री वॉज डेफिनेटली मोर इम्पैक्टेड. ओके, इसलिए आपको ये सब करना है एंड गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस द फाइनेंस लिंक्ड इंसेंटिव फॉर डेजिग्नेटेड सेक्टर. ओके, वो हमने किए हैं. हाउ एवर हैप्पी टू अधेर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केट ऑर्थोडॉक्सी सच एज प्राइवेटाइजेशन, नाउ गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर डिस इन्वेस्टमेंट. ओके, डिस इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो प्राइवेटाइजेशन भी कर रहा है, ठीक है ना. एंड FDI को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों? वी आर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, सो देर इज अ शिफ्ट इन फिस्कल थिंकिंग. ओके, इसमें डेफिनेटली चेंज आया है. तो ये डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है कि कैसे आपके फिस्कल इंडिकेटर्स आप यूज करोगे. सो इन प्रीवियस ईयर्स द डॉक्यूमेंट वुड गिव द इंडिकेटर्स फॉर पास्ट टू ईयर्स. ओके, एज वेल एज द प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट टू ईयर. द आइडिया वॉज टू शो दैट इकोनॉमी वॉज मूविंग अलोंग अ फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ. ओके, नाउ वी हैव डिविएटेड फ्रॉम द फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ. ओके, तो पहले हमारा टारगेट रहता था 3.3% तक GDP का हम लोगों को टारगेट है अंडर द FRBM. ओके, FRBM एक्ट के अंडर जो है हमें ये टारगेट था. नाउ वी आर डेफिनेटली डिविएटिंग क्योंकि टाइम्स आर डिफरेंट. ओके, सो दिस ईयर्स बजट द ईयरली प्रोजेक्शंस आर मिसिंग. ओके, एज ऑल वी हैव इज कमिटमेंट टू फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच कि हम लोग फिस्कल डेफिसिट को लोअर डाउन करेंगे टू 4.5% ऑफ GDP बाय 2526. ओके, नाउ अगेन 5-year टारगेट हैज बीन सेट. ओके, सो फॉर वेल ओवर अ डिकेड एंड हाफ वी हैव केप्ट अप द प्रिटेंस ऑफ अटेनिंग द डिफिसिट टारगेट सेट आउट इन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट. ओके, इसके अंदर जो है हमने टारगेट सेट किया था और वी वर ऑन द पाथ ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन. ओके, सो फाइनेंस मिनिस्टर हैज प्रोमिस टू इंट्रोड्यूस एन अमेंडमेंट टू FRBM एक्ट. ओके, अब इस एक्ट को ही बदला जाएगा. नाउ द क्वेश्चन कैन बी रेज्ड ओवर एफिकेसी ऑफ FRBM एक्ट. नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट UPSC कैन आस्क. ओके, efficacy of FRBM Act. Okay, that every time when there is crisis, government ends up in amending the Act. Okay, this is not the first time they are doing it. पहले भी 2008 के अंदर FRBM Act के अंदर जो है चेंज लाया गया था और टारगेट को और जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर डाल दिया गया था. नाउ अगेन दे आर शिफ्टिंग द टारगेट फॉर नेक्स्ट 5 years. ओके, सो माय क्वेश्चन टू यू इज व्हेन आर वी गोइंग टू अटेन द टारगेट. कब हम टारगेट को अचीव करेंगे? ओके, सो मूविंग अवे फ्रॉम फ्रेमवर्क द बजट हैज दस मार्क्स एन इम्पोर्टेंट डिपार्चर फ्रॉम वन ऑफ द की टेनेट्स. ओके, उससे जो है हम पीछे चल रहे हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज सेंट्रल टू कंसेंसस. ओके, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट गवर्नमेंट बजट्स नीड टू बी ब्रॉडली इन बैलेंस सो दैट बोरोइंग्स टू फाइनेंस द डेफिसिट आर केप्ट मिनिमम. ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. वी आर सेइंग दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड मोर बट फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट मनी, पैसा कहां से लाओगे? ओके, सो फॉर दैट दे आर सेइंग मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स शुड बी गुड, वो अच्छे होने चाहिए. सो इकोनॉमिक सर्वे, ओके, वो बजट से पहले आया. दे सेड दैट डिपार्चर
फ्रॉम अ रिजिड एडहेरेंस टू फिस्कल कंसोलिडेशन इज नीड ऑफ एन आर. ओके, ये जरूरी है अभी करना, ठीक है ना, तो ये ऐसा करना जरूरी है. नाउ दे आर सेइंग देर आर सम कंस्ट्रेंट. ओके, वो कंस्ट्रेंट डेफिनेटली रहेंगे. और एक तरीके से डिफरेंशियल जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ओके, कि इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ रेट के बीच में जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा. ओके, कि आपके यहाँ पे आपको बैलेंस मेंटेन करना है कि आपके कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा ना हो और ग्रोथ रेट भी ज्यादा हो. ओके, फॉर दैट सॉल्यूशन इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट. ओके, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो स्पेंड मोर. सो IMF एंड वर्ल्ड बैंक बोथ फ्लैग बेयरर्स ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस. ओके, सो वो कहते हैं कि फिस्कल ऑर्थोडॉक्सी आप रखो, गवर्नमेंट शुड स्पेंड मिनिमम. So now Washington consensus says that government should spend minimum. Okay, today the situation is very different. Okay, जो हमारा debt है GDP ratio वो 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं. Okay, but situation is very different. हमारे यहाँ पे situation different है. Okay, so growth rate is higher than the interest rate most of the time. ऐसा रहा है, हमारा growth rate रहा है वो ज्यादा रहा है. Okay, the conventional restraint on fiscal policy need to be questioned. जो फिस्कल पॉलिसी हमारी अब तक चली आई है उसके ऊपर हमें जरूर जरूर क्वेश्चन करना पड़ेगा, स्पेशली इन द टाइम व्हेन देयर इज सीरियस कंट्रैक्शन इन इंडियन इकोनॉमी. ओके, जब हमारी इंडियन इकोनॉमी में सीरियस कंट्रैक्शन जो है ओवर द टाइम आया है. सो इट इज सेड दैट इन द करंट सिचुएशन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी विल बूस्ट द ग्रोथ. ओके, एंड देयर विल बी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज कि हमारा जो डेट टू GDP रेशियो है वो एक तरीके से बढ़ेगा. ओके, और नॉट हायर. ओके, रेशियो टू बी लोअर, वो लोअर होगा एंड जो है ज्यादा नहीं बढ़ेगा. एंड वी हैव टू अवॉइड इट. ओके, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आओ बट डेट टू GDP रेशियो जो है वो आप कंट्रोल में रखना है. सो गिवन इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द डेट सस्टेनेबिलिटी अंटिल 2030. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, मल्टीपल एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो सेइंग. ओके, कि वी आर इन अ गुड कंडीशन, हम लोग इतना ज्यादा ना सोचें फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, इतना ज्यादा ना अधेर करें दैट यू हैव टू मेंटेन द फिस्कल डेफिसिट. ओके, द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज दिस कि हम लोग 10-11% की GDP ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेंगे. ओके, दिस इज अ मोस्ट रिमार्केबल थिंग और इससे हमें आगे बढ़ना है. वी शुड नॉट वेट अबाउट रेटिंग एजेंसीज. ओके, वी व्हाट रेटिंग एजेंसीज आर सेइंग वी शुड नॉट केयर अबाउट. ओके, इवन द इकोनॉमिक सर्वे इज सेइंग दिस थिंग कि इकोनॉमिक सर्वे जो हमारी रेटिंग जो हमें मिलती है वो ग्राउंड सिचुएशन से डिफरेंट होती है. इंडियन जो पैरामीटर्स हैं दे आर इन अ गुड कंडीशन बट दीज रेटिंग एजेंसीज वो इंडिया को थोड़ा डाउनग्रेड करके रखते हैं. ओके, सो हमारा इकोनॉमिक जो सर्वे है वो भी यही कह रहा था. बट देर आर की कंसर्न्स. Another concern is that large fiscal deficit can fuel a rise in inflation. Okay, now this is a major problem. Okay, when government is going to spend, it may lead to inflation. Inflation अगर बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, पुअर को होता है. ओके, दे पे द हैवीएस्ट प्राइस इन द टर्म ऑफ इन्फ्लेशन. सो इट इज मोर लाइकली दैट अ चेंज इन फिस्कल कंसोलिडेशन ट्रेंड टारगेट विल रिक्वायर अ चेंज इन इन्फ्लेशन टारगेट ऑल्सो. ओके, सो RBI हैज टू एक्ट इन अ मोर रोबस्ट मैनर. RBI को और अच्छे से एक्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको और अच्छे से लेके आना पड़ेगा. ओके, नाउ बजट मेक्स नो मेंशन ऑफ सच पॉसिबिलिटी. बजट ने इस बात की कोई बात नहीं की है. ओके, थर्ड कंसर्न इज दैट द टैक्स टू GDP रेशियो नॉट राइजिंग एज एक्सपेक्टेड. इट व्हाट डज इट मीन. ओके, That majority of the people in your country are still not taxed. वो अभी भी tax नहीं दे रहे हैं. Okay, so you have to bring more people in the tax ambit. आपको tax administration और tax ambit के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं you have to increase the tax base. Okay, tax base आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा. So without having a tax base, robust tax base, increased tax base, there is a high risk. Okay, high risk strategy आपकी रहने वाली है अगर आप tax को नहीं बढ़ाते हो. Okay, from where you are going to achieve the fiscal target? कैसे आप achieve करोगे? ओके, गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो चाहिए ना. नाउ दे आर सेइंग दैट रेवेन्यू फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, वो पिछले कुछ सालों में डिसइन्वेस्टमेंट हमारे यहां पे अच्छा नहीं हुआ एंड इट हैव फॉलन शॉर्ट. ओके, सो सेल ऑफ एयर इंडिया वो अभी तक ड्रैग हो रहा है. नाउ वी हैव अ टारगेट की 1.75 लाख करोड़ हम लोग जो है बजट में अभी लिखा है कि इतना डिसइन्वेस्टमेंट से लेके आएंगे, बट पास्ट रिकॉर्ड्स आर सेइंग अगेंस्ट अस. ओके, पास्ट रिकॉर्ड हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं. वी नीड टू फेस अप टू एन इंपॉर्टेंट रियलिटी. ओके, लार्ज स्केल प्राइवेटाइजेशन इज नॉट इजिली अकम्प्लिश्ड इन इंडिया. ओके, नाउ देर हैव टू बी अ यू नो इशू. ओके, सेलिंग पब्लिक एसेट्स चीप इज पॉलिटिकली कंटेंशियस. ओके, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत नुकसान हो जाएगा, ओपोजिशन विल पॉइंट आउट इन्होंने सस्ते में बेच दिया. ओके, सो देर विल बी एलिगेशन ऑफ फेवरिंग सर्टेन इंडस्ट्रियल हाउसेज. ओके, ये एलिगेशन जो है ये बहुत ही नुकसानदायक है. ओके, सो पब्लिक सेक्टर यूनियंस
आर वाइटल पोलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ओके, यूनियंस जो है वो आपके अगेंस्ट चले जाएंगे. ओके, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक रेजेस कंसर्न्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या होगा अगर आप सब बैंक्स को प्राइवेटाइज करोगे. ओके, नाउ जॉब लॉसेस फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन आर बाउंड टू इवोक द बैकलैश. लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे अगर जो है लोगों की नौकरियां जाती हैं बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स. ओके, सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स FDI. सो मोर ओवर लार्ज स्केल प्राइवेटाइजेशन ऑलवेज involves substantial FDI. okay, in Southeast Asia, okay, privatization of banks meant a large rise in foreign presence in the domestic economies. okay, ki foreign investment aapke yahan zyada ho jayega, iska matlab ye hota hai. now what about Atmanirbhar Bharat? अगर आप जो है आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, सेल्फ रिलायंस की बात करते हो, स्ट्रॉन्गर इंडियन कंपनीज की बात करते हो, बट उसके अंदर पैसा बाहर से आ रहा है, मींस यू आर समवेयर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स. आप दूसरे इकोनॉमी पे डिपेंडेंट हो रहे हो. ओके, देन व्हाट अबाउट योर आत्मनिर्भर भारत? सो इफ योर नेशंस पॉलिटिकल इकोनॉमी केम इन द वे ऑफ आर मीटिंग FRBM टारगेट्स, इसी इट इज लाइकली टू पोज अ ऑब्स्टेकल टू लार्ज स्केल प्राइवेटाइजेशन. लार्ज स्केल प्राइवेटाइजेशन जो है वो शायद ना हो पाए. ओके, बिकॉज आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी इस टाइप की है, आप ज्यादा नहीं कर सकते. आपको यूनियंस का भी ख्याल रखना है, यू हैव टू अवॉइड जॉबलेसनेस ऑल्सो, उन चीजों का भी ख्याल रखना है. ओके, सो डिपार्चर फ्रॉम फिस्कल ऑर्थोडॉक्सी इज वेलकम, डेफिनेटली ये अच्छा है, बट गवर्नमेंट नीड्स टू थिंक ऑफ द वे इट मेक्स इट मोर सस्टेनेबल. ओके, इसको मोर सस्टेनेबल बनाना जरूरी है, एंड यू हैव टू गेट बैक टू द ओल्ड फिस्कल टारगेट्स. ओके, ये आपको करना पड़ेगा. सो नामिका, गुड मॉर्निंग. सो लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट एडिटोरियल नाउ. सो कंट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन द बजट मेंटेन्स इंक्रीमेंटलिज्म, कंटिन्यूज विद बिजनेस एज यूजुअल. ओके, तो इन्होंने कहा कुछ खास हमारा बजट नहीं आया है, COVID-19 का टाइम है, ठीक है. ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन इज 11%. ओके, डेफिनेटली हम लोग इतना करेंगे, और इन्फ्लेशन 4.4% रहने वाला है, ठीक है ना. अब नॉर्मल GDP ग्रोथ हमारा, नॉमिनल GDP ग्रोथ होने वाला है 15.4% का. सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो हमें समझना है, एंड दीज आर आर टारगेट. बट बजट जो है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है. दे आर सेइंग दैट दीज आर एबनॉर्मल टाइम्स. ओके, बट दोज हु हैव डिजाइंड द बजट्स, उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा और बहुत ही इंक्रीमेंटल बजट ये बनाया है. उन्होंने सोचा कि दिस इज द नॉर्मल थिंग एंड थिंग्स मे गो एज यूजुअल. ओके, नाउ गवर्नमेंट हैज लेड 6 pillars एंड हेल्थ इज वन ऑफ देम. ओके, एंड वी आर गोइंग टू इंक्रीज आर आउटलेस ऑन हेल्थ. हेल्थ के ऊपर हम जरूर स्पेंड करेंगे. 137% जो है उसका हाइक आया है हमारे हेल्थ बजट में. दिस इज रियली गुड, ऐसा अच्छा है. ओके, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ यू आर टारगेटिंग हेल्थ सेक्टर देन इमीजिएट आउटलेज आर इंपॉर्टेंट. ओके, प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस आर रियली बैड, सो इन दैट सिनेरियो इमीजिएटली पैसा जो है वो आपको रिलीज करना चाहिए. ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 pillars की बात करें. ओके, वो हम लोग करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि इट सीम्स टू बी बिट मिसप्लेस्ड. ओके, बिकॉज देर इज वेरी लिटल इंक्रीज इन ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट ओवरऑल एक्सपेंडिचर, उसमें कुछ खास बड़ा फर्क नहीं आया है. ओके, जो आप 6 pillars को ठीक करने की बात कर रहे हो, इसलिए वो मिसप्लेस्ड है. अगर आप 6 pillars ठीक करने की बात करते हो तो थोड़ा पैसा भी ज्यादा बढ़ाओ. ओके, फिस्कल अरिथमेटिक ये कह रहा है कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 2020-2021 के लिए 34 lakh crore रहने वाला है. ओके, सो ये रिवाइज एस्टिमेट का डाटा है, एंड विद कैपिटल एक्सपेंडिचर एट 4 lakh crore. ओके, 4 lakh crore के राउंड हमारा, 4.3 lakh crore के राउंड हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा. ओके, नाउ दे आर सेइंग दैट टोटल एक्सपेंडिचर आपका 34 lakh crore है. ओके, दिस मीन्स एन एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ जस्ट 32,000 crore. सिर्फ 32,000 crore का एडिशनल जो है स्पेंडिंग आप करने वाले हो इस साल. ओके, नाउ दिस इज नॉट अ बिग अमाउंट, ये कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है, ये 1% के राउंड आप बोलो इंक्रीज हुआ है. ओके, एंड देर विल बी नो मल्टीप्लायर इफेक्ट, ऐसा ये बोल रहे हैं. ओके, नाउ गवर्नमेंट इज सीइंग वी आर बेटिंग ऑन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. कैसे? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन इंक्रीज बाय 26%. ओके, और ये इतना एक्सपेंड करने वाले हो. दिस इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज एक्सपेक्टेड टू बी चैनलाइज वाया इंफ्रास्ट्रक्चर पुश. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप पुश करके करने वाले हो, ये बहुत जो है ज्यादा नहीं है. टुडे देयर इज रिस्क ऑफ आउटले इन कंप्लीशन. ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट्स, आप टाइम पे अपना प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर पाए, देन देयर विल बी कॉस्ट ओवररन. कॉस्ट जो है आपका बढ़ जाएगा. ओके, एंड इंडियाज हिस्ट्री इज रियली बैड. ओके, मुंबई मेट्रो इज वन ऑफ द एग्जांपल, कितना जो है कॉस्ट ओवररन हो गया था. ओके, सो एज द लाइफ साइकिल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज लॉन्ग, एन इन्वेंटरी ऑफ फंडिंग नीड्स टू बी रेडी इन द पाइपलाइन. ओके, अब नाउ ये प्रोजेक्ट जो होते हैं 10-10, 15-15 साल के होते हैं. बैंक्स जो है वो इतना साल के लिए लोन नहीं देते. सो गवर्नमेंट हैज टू मेक अरेंजमेंट्स कि आप लॉन्ग टर्म फंड जो है वो इनको मुहैया कराओ, इनको दो. ओके, सो द इमीडिएट मल्टीप्लायर इफेक्ट
is to lift the aggregate demand. Okay, aggregate demand आपको लेके आनी है and उसके लिए जो है government spending करने की जरूरत होगी. So sector specific target proposal. Okay, ये definitely हमने sector specific target रखे हैं. Okay, और production link incentives जो है वो हमने दिए हैं. Agriculture और MSME के लिए भी हैं. Okay, but बहुत थोड़े हैं. Means they have been accorded lower priority. Okay, इतना ज़्यादा agriculture और MSME को हमने ध्यान नहीं दिया है because they are the major job creator. So these sectors are very important for us. Okay, so Mohit, good morning. Mohit Basin, good morning. Okay, so these sectors are very important for us and there are no radical reform proposals. Okay, agriculture sector के अंदर कुछ radical नहीं होने वाला है. Farm bill अभी भी अटका हुआ है. Okay. एंड सब्सिडी की अगर हम बात करें तो यूरिया बेस्ड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की जो बात है वो रजीम अभी भी चल रही है. ओके, और पीडीएस सिस्टम को भी आपको रैशनलाइज करना है. सो दीज थिंग्स आर पेंडिंग. ओके, तो इसके ऊपर कोई बात नहीं की है. अदर देन दैट फार्मर इज इन डिस्ट्रेस एंड फ्यू एक्सपर्ट्स वर सेइंग दैट पीएम किसान का पैसा जो है वो बढ़ाया जाएगा. नाउ गवर्नमेंट इज पेइंग 6,000 पर ईयर. उम्मीद थी कि ये जो है थोड़ा बढ़ा दिया जाए बट ऐसा नहीं किया गया. ओके, नाउ इफ यू लुक एट द मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, ओके, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अ कैटलिस्ट, जो हम अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, बनने वाले हैं 2025 तक. ओके, सो वी डिपेंड अपॉन आर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, वो हमारे हमें जो है अपनी बढ़ानी है. नाउ इन दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट पिकिंग अप. ओके, आपके देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा है. अदर देन दैट देर आर सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल सेक्टर. ओके, वो एम्प्लॉयमेंट का फोकस पॉइंट है. ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन का फोकल पॉइंट है बिकॉज दे आर गोइंग टू जनरेट जॉब्स. बहुत ज्यादा जो है जॉब्स जनरेट करते हैं वहां पे. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, देर इज लैक ऑफ कंक्रीट पॉलिसी. कुछ पॉलिसी हमारे पास नहीं नजर आती है. ओके, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर सकता है. टैरिफ जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स जो है. इंपोर्ट बैरियर, मल्टीपल कंट्रीज आर इम्पोजिंग द इम्पोर्ट बैरियर. बहुत से कंट्री जो है इम्पोर्ट बैरियर लगा रहे हैं. ओके, सो इट माइट अंडरमाइन द कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ मैनुफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स. उसका कॉम्पिटेटिवनेस जो है ओवर द टाइम कम हो रहा है शायद. ओके, एंड डेफिनेटली क्रिएशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट, आप ये मान के लीजिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि किस तरीके से जो है हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों को इंप्रूव करेंगे. ओके, बट द प्रॉब्लम इज एग्जीक्यूशन रिस्क, रेगुलेटरी इश्यूज. ओके, दोज थिंग्स आर नॉट एड्रेस्ड. सो इन योर कंट्री वी से दैट वी आर ओवर रेगुलेटेड. बहुत ज्यादा जो है हम रेगुलेटेड हैं. ओके, इतने सारे लॉज हैं. टिल द टाइम यू डोंट रिफॉर्म दोज लॉज, आपके लॉज जो है वो अंग्रेजों के टाइम पे कॉलोनियल लॉज है. टिल द टाइम यू डोंट रिफॉर्म दोज लॉज, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी. ओके, एंड यू हैव टू हैव एक्सिक्यूशन रिस्क. एग्जीक्यूशन अगर नहीं होगा तो पॉलिसी मेकिंग बना लो कोई फायदा नहीं है. ओके, सो इट इज ऑल्सो सेड दैट वी आर गुड एट पॉलिसी मेकिंग बट पुअर एट इंप्लीमेंटेशन. ओके, सो डेफिनेटली दिस न्यू इंस्टीट्यूशन, इट विल बी अ गुड स्टेप जो ये बनाया है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. ओके, सो इट विल बी अ गुड स्टेप कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी. बट अलोंग विद दैट बाकी चीजें भी करनी जरूरी हैं. सो रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसके ऊपर भी काम करना जरूरी है क्योंकि बैंक्स की हालत अच्छी नहीं है. ओके, सो फाइनेंशियल सिस्टम इज अंडर स्ट्रेस. ओके, एंड बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप कल्चर इट इज गोइंग टू इंक्रीज. नाउ इफ मल्टीपल स्टार्टअप्स आर फेलिंग, अगर सबके सब जो है फेल हो जाएं, ओके, तो देर आर चांसेस दैट एनपीएज ऑन बैंक्स विल इंक्रीज. बैंक्स के ऊपर एनपीए जो है बढ़ जाएगा. ओके, सो इसका और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने का चांस है. तो गवर्नमेंट को इन चीजों की तरफ ध्यान रखना है. ओके, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया. माइग्रेंट क्राइसिस हुआ. ओके, माइग्रेंट क्राइसिस जो है वो ज्यादातर अर्बन एरिया से ही हो रहा था. ओके, बट दैट थिंग वॉज नॉट एड्रेस्ड. यू हैव टू इम्प्रूव, इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो आपको इंक्रीज करनी है. डिमांड जनरेशन को भी आपको इंक्रीज करनी है. ओके, बट गवर्नमेंट इज नॉट डायरेक्टली इंटरवीनिंग. डिमांड जनरेशन को गवर्नमेंट, सरकार जो है खुद डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर रही. ओके, other than that they are saying that extending the social security benefit to gig economy worker is a welcome move. Okay, bahut achhi cheez hai ki aap gig economy worker ko benefit de rahe ho. Gig economy worker hota hai short term contract. Okay, jinka short term contract hota hai, Ola, Zomato. Okay, so unko hum gig economy mein count karte hain. They also needed some security, social security unke paas bhi honi chahiye. Okay, but there is no plan to tackle the urban unemployment. Urban unemployment को tackle करने के लिए आपके पास कोई plan जो है as such नहीं है. Okay, so given the demographic profile, okay, तो urban area को आपको जो है और अच्छे से address करना चाहिए था, ठीक है ना? So इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी था. Okay, so there should have been some plan. कोई बड़ा plan आप लेके आओ,
बट बजट ने वो एड्रेस नहीं किया. ओके, इट डज अटेम्प्ट टू स्पेल आउट सम इंस्टीट्यूशनल चेंजेस. कुछ थोड़े मोट जो है चेंजेस इन्होंने किए हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. ओके, जिससे पब्लिक सेक्टर रीच को और डेवलपमेंट को थोड़ा पुश मिलेगा, लेकिन और ज्यादा करने की यहाँ पे जरूरत थी. सो व्हेन इट कम्स टू रिसोर्स एंड स्पेंडिंग, बजट इज कैंडिड ऑन फिस्कल डेफिसिट नंबर्स. ओके, फिस्कल डेफिसिट नंबर के ऊपर कुछ खास इन्होंने नहीं बोला. एंड सेट्स आउट अ स्लो फिस्कल ग्लाइड पाथ. ओके, ये हमने किया है. प्रेजेंटली हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है 9.5 रहने वाला है, एंड आर टारगेट इज दैट वी विल रिड्यूस इट टू 6.8%. ओके, नेक्स्ट ईयर में इतना करेंगे, और शायद हो ना हो वो बात की बात है. ओके, बट वी हैव गुड मैक्रो इकोनॉमिक पास्ट. हमारी मैक्रो इकोनॉमिक हिस्ट्री थोड़ी अच्छी रही है. ओके, थोड़ी रिलायबल रही है. सो वी हैव टू स्टिल वेट कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं. थिंग्स डिपेंड्स अपॉन द डिस इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू. अगर गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर पाती है, एयर इंडिया जैसी चीज को बेच पाती है, ओके, सो वहां से जितना पैसा आएगा, आर फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन दैट. वहां से ही वही हमारे पास सोर्स एक अच्छा बचा है. ओके, बिकॉज इकोनॉमी पुश अप लेने में टाइम लगेगा, जीएसटी के थ्रू रेवेन्यू आने में टाइम लगेगा. ओके, सो बजट रिवील्स टू इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. ओके, फर्स्ट इट शोज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज नॉट टू हैव वन नेशन वन इलेक्शन. ओके, एज ऑल द स्टेट्स दैट आर गोइंग फॉर इलेक्शन दिस ईयर गेट एनहांस्ड आउटलेज. ओके, नाउ प्रायोरिटी गवर्नमेंट की शायद शिफ्ट हो जाए यहाँ पे. ओके, स्टेट्स वुड बी स्टार्व्ड ऑफ दिस वन टाइम बोनेंजा इफ देर इज अ साइमल्टेनियस इलेक्शन. ओके, क्योंकि अब जो है मल्टीपल स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होंगे. ओके, इसलिए उन स्टेट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. बट थिंक अबाउट अ सिचुएशन इफ देर इज वन नेशन वन इलेक्शन. एक बार सरकार बन गई सेंटर में, उसके बाद वो स्टेट्स को दोबारा नहीं पूछेंगे. ओके, सो दिस इज द एप्रिहेंशन दैट दे हैव पॉइंटेड आउट. ओके, नाउ स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, ओके, वो डेफिनेटली उन्होंने शॉक्स को पॉजिटिवली रिएक्ट किया है, बट दैट इज नॉट अ ट्रू पिक्चर ऑफ आर स्टेट. आपकी इकोनॉमी के स्टेट का आपके स्टॉक मार्केट से कोई एक तरीके से रिफ्लेक्शन लगता ही नहीं है, बिकॉज देर इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड योर स्टॉक मार्केट इज स्टिल इंक्रीजिंग. What's the point? Okay, so they are saying that this incremental approach in the budget making, is it going to work? Okay, so it might just fall short. So budget ko thoda aur bada banana chahiye tha, aisa ye bol rahe hain. So we have to still wait ki kya budget ka response rehta hai. 3-4 mahino mein pata lag jayega. Khushbu Ansari, good morning. So let's look into the next editorial now. Okay, so political forces could transform beacons of democracy into cautionary tales. Okay, now world's oldest and largest democracies were punctuated by two dramatic seizures. 2021 में ऐसा हुआ, एक तो इंडिया में फार्मर्स ने किया और लाल किले के ऊपर झंडा लगा दिया. ओके, दूसरा यूएस के अंदर हो रहा है, वहां पे कैपिटल हिल जो है उस बिल्डिंग के अंदर लोग चढ़ गए थे एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो जाना ही नहीं चाहते थे. ओके, सो ये सिचुएशन बनी ओल्डेस्ट और बिगेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर. ओके, सो 20 डेज लेटर एज रैली प्लान्ड ऑन रिपब्लिक डे इन इंडिया, ओके, काफी वॉयलेंस हुआ है यहाँ पे 3 लॉज को लेके. ओके, सो इट मींस दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस जो हैं वो खत्म हो सकती हैं डेमोक्रेसी के अंदर रहते रहते भी. ओके, सो प्रोटेस्ट इज अ डेमोक्रेटिक राइट, बट वॉयलेंस इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट इज नॉट. ओके, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना. सो ये चीज इन्होंने हाईलाइट किया ना. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज? ओके, सो कॉमन थ्रेड बिटवीन द टू सीजेस जो थी यूएस और रेडफोर्ट के अंदर जो हुआ, ओके, दैट डिसकंटेंटेड कलेक्टिव वेंटेड इन एंगर. ओके, कलेक्टिवली जो है गुस्सा था पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर, पीपल जो है थोड़े गुस्से हो गए थे जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रही है. अमेरिका के अंदर भी ऐसा हुआ, इंडिया के अंदर भी ऐसा हुआ. ओके, 3 फार्म बिल्स, पीपल वर अगेंस्ट इट, दे वर नॉट हैप्पी विद इट, और वो धीरे धीरे जो है इमोशनल फ्लो में आते आते एंगर में बदल गया. ओके, सो ये प्रॉब्लम जो है, ये चीज हाईलाइट हुई है यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में. ओके, एंड ट्रंप फेस द एग्नोमिनी ऑफ बींग फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री टू बी इम्पीच्ड. ओके, फॉर द सेकेंड टाइम, दो बार उनको कोशिश हुई है कि उनको इम्पीच किया जाएगा. इन इंडिया द एंगर हैज बीन राइजिंग स्टेडली. ओके, सिंस पार्लियामेंट पास दीज लॉज, अभी तक जो है एंगर बढ़ रहा है. दिस इफेक्टिवली कट आउट द मिडलमैन, जो भी ट्रेडर और बाकी चीजों को हटाने वाली बात थी, और प्राइवेट एंटिटीज को एम्पावर करने की बात की गई थी. ओके, थ्रू डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट विद एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स. तो यहां पे जो है प्रॉब्लम आके अटकी है. ओके, द क्वेश्चन इज एमएसपी का क्या होने वाला है. ओके, वो यहां पे फार्मर्स को अभी तक क्लियर नहीं है. सो व्हाइल फार्मर्स इनिशियली स्टेज्ड पीसफुल सिटी एजिटेशन, बहुत पीसफुली सब कुछ चल रहा था. ओके, एंड विंटर्स के अंदर ऐसा चलता रहा, बट गवर्नमेंट डिडंट पे एनी अटेंशन. ओके, गवर्नमेंट ने कोई तरीके से नेगोशिएशन नहीं किया, कुछ जो है चीजें नजर नहीं आई, एंड दैट ट्रिगर्ड दिस एंगर. ओके, उस वजह से जो है ये एंगर जो है वो ट्रिगर हुआ. ओके, सेकेंडली सिमिलरिटी अक्रॉस टू सीजेस जो हमारे जो होती हैं, डिस्टर्बिंग इमेजेस ऑन सोशल मीडिया. ओके, शोइंग अ डार्कर साइड ऑफ मास रैलीज. जो सोशल मीडिया है वो बहुत ही खराब चीज थी, पब्लिक सेंटिमेंट्स को उकसाया गया. ओके, एंड
सोसाइटी इज डिवाइडेड, सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो रही है बहुत ज्यादा. ओके, ऑन द रिलीजियस लाइन इंडिया के अंदर भी दिस फार्मर प्रोटेस्ट वॉज गिवन अ कॉम्युनल कलर, थोड़ा कॉम्युनल कलर भी दिया गया. ओके, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो एक तरीके से बिल्कुल ही यहाँ पे नकारा सिद्ध हो रही है, दे फेल्ड, वी सी हाउ दिल्ली पुलिस मैनेज इट. ओके, सो ये प्रॉब्लम चल रही है कि आपके यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को हटाया जा रहा है, डिबेट एंड डिस्कशंस को एनकरेज नहीं किया जा रहा. ओके, और ये जो पॉपुलिज्म है इट इज वेरी डेंजरस, मेजोरिटेरियनिज्म जो है इट इज वेरी डेंजरस. ओके, वो सामने यहाँ पे डर बनता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया और वहां पे दोनों जगह ये चल रहा है. ओके, और सिचुएशन ठीक नहीं है, कॉम्युनल कलर्स इसको नहीं देना चाहिए. ओके, दो ये फार्म लॉज प्रोटेस्ट जो हैं कि इट शोज देयर इज अनदर इंडिया. ओके, इंडिया ऑफ पुअर, लो कास्ट, वो सब एग्जिस्ट करता है. ओके, विच विल नॉट बी साइलेंस्ड बाय द मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, ऐसा ये बोल रहे हैं. ओके, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स नहीं चलेगी. ओके, और उनको साइलेंस आप नहीं कर सकते, ये चीज जो है यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट की है. बाकी दिस एडिटोरियल हैज सम पॉलिटिकल कॉनोटेशन. ओके, तो वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल कॉनोटेशन जो है वो हमें नहीं करनी होती. सो दिस इज अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेसी. ओके, सो इस तरीके से जो है एक इनफॉर्मल बैलेंस बनता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, और उसको जो है आप हटाते हो. ओके, ऐसे ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं उस इनफॉर्मल बैलेंस को. ओके, सो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज आर इनहेरेंटली एंड प्राइमरीली कैपेबल ऑफ टिपिंग टुवर्ड्स पावर स्ट्रक्चर. ओके, दैट अंडरमाइन द डेमोक्रेसी इटसेल्फ. सो वो पावर स्ट्रक्चर्स जो कि डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं, तो डेमोक्रेसी के पास इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है कि वो उनको हटा दें. ओके, सो इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्री प्रेस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, एंड ओवर द ईयर्स ये जो है डिग्रेड हो रहा है, ठीक है ना, इंडिया के अंदर भी डिग्रेड हो रहा है, बट एंड दे विल बी डीवैल्यूड बाय द सोसाइटी. ओके, सोसाइटी भी वैल्यू नहीं करती इनकी. ओके, सो देर आर मल्टीपल चैनल्स जिनको जो है हम वैल्यू नहीं करते हैं. दिस इज द सिचुएशन, दोनों कंट्रीज में ऐसा चल रहा है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर मेन्स 2020. ओके, हेयर इट इज टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. ओके, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर जो है ये क्वेश्चन आया है. नाउ दिस एडिटोरियल ऑल्सो हैज द एंगल ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. ओके, सो दिस एडिटोरियल इज सेइंग दैट मच मोर नीड्स टू बी डन फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और भी ज्यादा करने की जरूरत है. एंड ये कोबरा बटालियन जो है ये लग रही है, और इनका एक तरीके से इन्होंने अपना वो डाला है एक्सपीरियंस. ओके, सो ही इज अ आईजी, आईपीएस ऑफिसर, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस के बेस पे जो है चीजें बताई हैं. ओके, कि माओस्ट एरिया के अंदर आईडी ब्लास्ट होते हैं. ओके, और मल्टीपल एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर सीआरपीएफ डिप्लॉय की जाती है. 2008 के अंदर देर वॉज हेरोफिक इंसिडेंट इन विच 80 पर्सनल ऑफ सीआरपीएफ वर किल्ड. ओके, उनको जो है मारा गया था, और ये सिचुएशन थी. एंड वाइल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड. ओके, कश्मीर वैली में सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, एंड सीआरपीएफ बटालियंस दे वर मूव्ड आउट. ओके, बट दे वर मूव्ड आउट एंड इंडक्टेड इनटू लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज, वहां जो है उनको डाल दिया गया था. ओके, डिप्लॉय कर दिया गया था. सो दीज न्यूली इंडक्टेड बटालियंस, ओके, अंडरवेंट 12 वीक्स ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ में उनको दी गई. ओके, ताकि वो टेरेन से अपने आप को थोड़े फेमिलियर हो जाएं. ओके, और समझ पाए कि माओइस्ट क्या चाहते हैं. ओके ना, दे वर ऑल्सो पुट थ्रू इंटेंसिव फायरिंग प्रैक्टिस, सारी चीज जो है की गई थी. सून द बीएसएफ एंड आईडीपीपी, ओके, दे ऑल्सो ज्वाइंट द सीआरपीएफ, वो भी उन्होंने भी ज्वाइन किया, स्टेट पुलिस को भी ज्वाइन किया. सो डिस्पाइट ट्रेनिंग एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स, ओके, सिक्योरिटी फोर्सेज लॉस्ट मैनी पर्सनल इन 2009-10. ओके, सो 76 सीआरपीएफ मैन वर किल्ड इन अ टेरिबल अटैक, दंतेवाड़ा में ऐसा हुआ था. ओके, और इट वॉज अ डिजास्टर, बट सीआरपीएफ हिट्स बैक. ओके, अभी हिट बैक किया है उन्होंने, और 200 माओइस्ट वर एलिमिनेटेड इन 2009 एंड 2011. ओके, सीआरपीएफ स्लोली गेन्ड द अपर हैंड. ओके, नाउ सिचुएशन दे आर लार्जली ऑफेंसिव, माओइस्ट थोड़े बैक ट्रैक और बैक फुट पे जा रहे हैं. ओके, ये चीज इन्होंने बताई है. सो एज मैनी एज 55 माओइस्ट वर किल्ड इन ऑपरेशन इन 2019 एंड 32 लास्ट ईयर. द नंबर ऑफ माओइस्ट किल्ड इन लास्ट डिकेड हैज राइज़न टू 569. ओके, सो मोरल ऑफ माओइस्ट जो है वो बिल्कुल लोएस्ट है, सरेंडर जो है वो बढ़ रहा है, दिस इज गुड. वी हैव अ समथिंग कॉल्ड स्मार्ट स्ट्रेटजी, हमारे यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटजी जो है वो लगी है यहाँ पे. ओके, माओइस्ट के साथ डील करने के लिए, लेफ्ट विंग एरिया के साथ डील करने के लिए. ओके, सो हाउएवर as lives are lost, intelligence setup जो है left wing affected area में, उसको और ज़्यादा geared up करने की ज़रूरत है. Okay, suppose, so if you want to avoid the attacks on security forces, you need to have a effective intelligence network. वो आपको लाना ज़रूरी है, ठीक है ना? So right now they are using the Belgian Malinois dog. Okay, वो अच्छा dog होता है, अच्छी variety होती है. But along with that, technical intelligence को भी आपको upgrade करना है. Much more need to be done to completely wipe out the left-wing extremism. Okay, so CRPF personnel should stay in pakka building. ऐसा होना चाहिए. अभी उनको जो है hostile environment में
ह्यूमनली कंडीशन में रहना पड़ता है, डिफिकल्ट कंडीशन में रहना पड़ता है. ओके, सो पक्का बिल्डिंग भी उनके पास होनी चाहिए ताकि वो वेदर जैसे चीज़ों से डील कर सकें, मॉस्किटो जैसी चीज़ों से डील कर सकें. ओके, सो बहुत से हमारे जवान मलेरिया से भी वहाँ पे जो है नुकसान पहुँचता है. ओके, सो फंड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो फंड्स को भी और आगे लेके जाने की जरूरत है. सेंट्रल गवर्नमेंट शुड लुक इन टू दिस. ओके, और इस चीज़ को लेकर फंडिंग को लेकर जो है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करे, ये बात इन्होंने बोली है. सो even after certain districts are declared free of left-wing activities, CAPF, Centrally Armed Forces, will have to be stationed for some years, okay? ताकि states जो है completely उनको ना हटा दे, वो states खुद के commando outfits जो है वो ना लेके आए, okay? वो खुद ना बना लें, till that time CRPF have to be there, okay? तो state government जब तक अपने commando service पुलिस की खुद की ना आ जाए तब तक जो है इनको यहाँ रहना पड़ेगा, ऐसा ये बोल रहे हैं. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ. ओके, सो बूटिंग आउट पार्शियल डेमोक्रेसी. सो म्यांमार के अंदर मिलिट्री ने पावर सीज कर ली है, अब फुल फ्लैज मिलिट्री रूल हो गया है वापस के वापस. ओके, सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, पहले भी ऐसा हो चुका है 62, 98, 88, 90, 90. ओके, द थिंग हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स. ओके, तो अब भी दोबारा हुआ है. द रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, दैट वॉर बिकमिंग मोर पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी वो मिलिट्री से. ओके, एंड मिलिट्री जनरल्स दे वर नॉट रेडी फॉर इट. ओके, वो एक तरीके से रेडी नहीं थे. सो सिचुएशन इन म्यांमार वॉज, म्यांमार दस बिकम अ कार ड्रिवन बाय टू ड्राइवर्स. ओके, क्योंकि वहां के पार्लियामेंट में मिलिट्री वॉज ऑल्सो अ पार्ट, सो इट वॉज अ कार जिसको दो ड्राइवर चला रहे थे, एंड डेफिनेटली कंफ्लिक्ट वॉज बाउंड टू हैपन. ओके, सो इसलिए जो है ये कंफ्लिक्ट बना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बोला कि इलेक्शन फेयर हुआ, विच वेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट और पॉइंट ऑफ द मिलिट्री. ओके, मिलिट्री लीडरशिप के पॉइंट के अगेंस्ट हो गया, सो दैट्स व्हाई इसको ये जो कू है ये होनी ही थी. ओके, ऐसा वो बोल रहे हैं. सो आर्टिकल 417 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी, और उसी प्रोक्लेमेशन के अंडर जो है ये डिक्लेयर किया गया है. एंड एज आई टोल्ड यू, द प्रेसिडेंट इन म्यांमार शुड हैव अ मिलिट्री एक्सपीरियंस. ओके, वैसा जो है वहां पे सिस्टम है. ओके, एंड ये बात चल रही थी, ठीक है ना, तो ये होना था, ऐसा बोल रहे हैं. ओके, सो बट इट इज अ कू विद डिफरेंस. कैसे डिफरेंस है यहाँ पे, पार्टी वील्डिंग हाफ ऑफ द पावर डिसाइडेड टू हेल्प इटसेल्फ विद अदर हाफ टू. ओके, सो ये सिचुएशन बनी है. सो डीपर रिफ्लेक्शन रेज करता है कि फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है, व्हाट ट्रबल्ड द एनएलडी मिलिट्री इक्वेशन. ओके, सो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो है और मिलिट्री की इक्वेशन वो खराब क्यों हो गई. एज आई हैव टोल्ड यू, द प्रॉब्लम वॉज द पॉपुलैरिटी. ओके, जो जनरल्स की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी और पॉलिटिशियंस की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, एंड दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू दैम. ओके, एंड आर्मी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट कि वो जो है नीचे नजर आए. ओके, एंड दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू गो फॉर कू. ओके, सो सू की और जो बाकी प्रोटैगनिस्ट हैं, ओके, एंड दे ऑलरेडी दे एक्सप्रेस एडमायरेशन फॉर आर्मी. ओके, और म्यांमारीज आर्मी ने जो रोहिंग्या इशू के ऊपर किया, तो सू की दे जस्टिफाइड कि आर्मी ने जो किया अच्छा किया, ठीक है ना, ऐसा उनका पॉइंट ऑफ व्यू था. ओके, नाउ दिस फाइट इज ओवर पावर. ओके, ये पावर के ऊपर फाइट है. वन थिंग इज दैट आइडियोलॉजिकली डिफरेंस हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज का और मिलिट्री का. मिलिट्री इज बाउंड टू बी अथॉरिटेरियन. ओके, वो होती है वैसे ही. सो वहाँ पे डिफरेंसेज आ सकते हैं, एंड दैट दोज डिफरेंसेज वर क्वाइट विजिबल, और वही जो है यहाँ पे हुआ है. ओके, सो फाइट फॉर पावर था डेफिनेटली. ओके, एंड द सिचुएशन वॉज दैट दिस शेयरिंग अरेंजमेंट. ओके, दिस शेयरिंग अरेंजमेंट वॉज डिफिकल्ट टू सस्टेन. ओके, ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो एनएलडी दे वॉन 396 सीट्स जो है वो ऑलरेडी जीते वहां पे. ओके, एंड मिलिट्री बैक्ड पार्टी जो थी, ओके, मिलिट्री बैक्ड पार्टी, इट वॉन ओनली 33 सीट्स. सो दैट्स वाई जनरल्स वर अनहैप्पी विद दिस. ओके, इसलिए उनको जो है थोड़ा नुकसान होता नजर आ रहा था. दे सेड दैट दिस लिमिटेड अरेंजमेंट कैन थ्रो दैम आउट ऑफ पावर. ओके, जनरल्स थॉट दैट विद दिस, इवन दिस लिमिटेड डेमोक्रेसी, जो लिमिटेड डेमोक्रेसी है उसके साथ भी जनरल्स कैन बी थ्रोन आउट ऑफ पावर. ओके, एंड दैट दे वर नॉट हैप्पी विद दैट. और इंटरनेशनल सैंक्शंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है इतना डर उनको नहीं है. ओके, क्योंकि दे आर हैविंग क्लोज रिलेशनशिप विद चाइना. ओके, एंड इंडिया के अंदर डेफिनेटली इट्स अ यू नो सिचुएशन फॉर वरी, बिकॉज इन 1990 वी क्रिटिसाइज द जनता गवर्नमेंट, मींस आर्मी ऑफ म्यांमार. ओके, तब हमने क्रिटिसाइज किया था. राइट नाउ we cannot take that stance. okay, because surgical strikes mein Myanmar's military, they have helped us. okay, aur insurgency ko control karne mein Myanmar has played a very important role. India ko help kiya unhone definitely. okay, so these are the geopolitical realities. okay, so ye aapko samajhna padega, geopolitical reality aisi bani hui hai. okay, but we are
वी आर ऑन अ टाइट रॉप. ओके, सिचुएशन बहुत टाइट है, वी हैव टू स्टिल वेट. गवर्नमेंट क्या इसके ऊपर क्लैरिटी के साथ कहती है? राइट नाउ गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन. ओके, एंड वेस्ट हैज डेफिनेटली क्रिटिसाइज्ड इट. कंट्रीज लाइक यूएस, दे आर क्रिटिसाइजिंग द प्रेजेंट डेवलपमेंट विच इज गोइंग ऑन इन म्यांमार. बट इंडिया को जो है बहुत ही टाइट रॉप यहाँ पे रखनी पड़ेगी. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ ग्रेट डे अहेड. जयंता, गुड मॉर्निंग. ओके.